अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िशान अली है और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी वीडियोस लैब टेस्ट के हेल्थ मेडिसिन के बारे में है और आज भी मैं एक टेस्ट परफॉर्म करके आपको दिखाने वाला हूँ जिसमें मैं आज क्रिएटिनिन करूँगा और क्रिएटिनिन लाइव परफॉर्म करके आपको दिखाऊँगा। आइए हम टेस्ट की तरफ चलते हैं। हम आज क्रिएटिनिन करने लगे हैं तो हमने ये पेपर लेनी है और पेपर को हमने सेट करना है 250 माइक्रोलीटर पे। इसमें एक रिजल्ट R1 होता है और एक R2 होता है। ये आप देख सकते हैं 250 माइक्रोलीटर हो गया। हमने R1 250 माइक्रोलीटर लेना है और R2 भी 250 माइक्रोलीटर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे पास R2 है और ये हमारे पास R1 है। तो हम R1 लेते हैं पहले 250 माइक्रोलीटर। ये 250 माइक्रोलीटर हमने R1 ले लिया और इस हमने एक ट्यूब में डाल लिया। और ये याद रखना है हमने हर दफा नई टिप यूज करनी है। और ये आप देख सकते हैं बाजू का ऐसे आ जाते हैं तो हमने इसको दोबारा से सही तरह बनना है ताकि हमारा टेस्ट एक्यूरेट हो। हमारा रिजल्ट एक्यूरेट होगा तो हमारा टेस्ट एक्यूरेट होगा। ये दो मैंने इसलिए बनी है कि मेरे पास दो पेशेंट है और मैं दो पेशेंट का ट्रीटमेंट कर लें, इसलिए ये दो ट्यूब मैंने ली है। आपने एक ट्यूब ही ले ली है। तो ये हम R2 ये भी 250 माइक्रोमीटर ही ले रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने दो ट्यूब भर ली हैं 250 माइक्रोलीटर R1 और 250 माइक्रोलीटर R2। तो अब इसको हम वाटर बाथ में रखना है 37 डिग्री पर। ये वाटर बाथ है तो हमने इसको वाटर बाथ में एक मिनट के लिए रख दिया। ये हमारी माइक्रोलैब 300 है। आप देख सकते हैं इस पे हमने टेस्ट परफॉर्म करना है। तो हम सबसे पहले मतलूबा टेस्ट की तरफ मशीन को लेके आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसको हमने ये एयर फिर एडजस्ट था तो हम इसको क्रिएटिनिन की तरफ लेके जा रहे हैं क्योंकि हमने क्रिएटिनिन करना है। तो ये यहाँ से हम इसको क्रिएटिनिन की तरफ लेके जाते हैं। ये देखिए ये क्रिएटिनिन आ गया आप देख सकते हैं और क्रिएटिनिन को हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से हम क्रिएटिनिन को सेलेक्ट कर लेंगे। क्रिएटिनिन आ गया तो अब ये वाटर ब्लैंक मांग रहा है कि ये आप देख सकते हैं कि ये मांग रहा है रेडी टू ब्लैंक प्रेस सिपर। अब हम इसको वाटर दे रहे हैं डिस्टिल्ड वाटर। ये आपने आवाज सुनी होगी ये यहाँ एक लाइट है और जब तक ये लाइट आ रहा है तब तक हमने इसको वाटर देना है और ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है फिर हमने छोड़ देना। अब ये मेजरिंग वाटर ब्लैंक कर रही है और ये आप देख सकते हैं कि ये अब कैलिब्रेशन पे आ गई है। तो कैलिब्रेशन हमने मशीन की पहले से सेट की हुई होती है तो एक वीडियो स्पेशली कैलिब्रेशन के लिए बनाई गई इंशाल्लाह कि जिससे कैलिब्रेशन कैसे करते हैं और इसको कैसे सेट करते हैं। तो अब ये कैलिब्रेशन पे आ गई है तो हम इसको नेक्स्ट करेंगे ताकि और सैंपल हम आ जाए। हमेशा याद रखना है कि टेस्ट तब सिप करवाना है कि जब ये सैंपल पे आ जाए। तो इसमें सैंपल हमने डालना है 50 माइक्रोलीटर। तो ये 50 माइक्रोलीटर हमने सेट कर लिया इसको पिपट को।
ये भी नहीं, हर दफा टिप लगाना हमने इसको। ये हमने पेशेंट का सीरम ले रही है, ये 50 माइक्रोलीटर है, तो ये हम उसमें डाल के अपनी चोज में जो हमने भर के वाटर बाथ में रखी हुई है, तो ये हम वाटर बाथ से चूब ले रहे हैं। अभी हम ये इसमें इंसर्ट कर देना है, थोड़ा सा जस्ट मिक्स किया और हमने मशीन को सिप करा देना है। ये जस्ट क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली सिप हो जाएगा, और ये जब तक लाइट आ रही है तब तक इसके अंदर रखना है और फिर बाहर निकाल लेना है। तो ये आप देख सकते हैं ये मेजरिंग हो रहा है, ये हमारा डस्ट मेजरिंग की तरफ जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये मेजरिंग हो रहा है, अब ये कुछ देर के बाद विद इन मिनट ये रिजल्ट दे देगा। ये आप देख सकते हैं कि ये मजबूत हो रहा है, अभी बस ये रिजल्ट देने वाला है तो आपके सामने ये रिजल्ट शो हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा रिजल्ट आ गया, 1.1 आया। मैं आपको बताता चलूं कि ये 1.2 तक नॉर्मल होता है, और जो हमने इसका कैलिब्रेशन की होती है, स्टैंडर्ड सेट किया होता है, वो भी 1.2 तक होता है। तो ये पेशेंट का 1.1 आया क्रिएटिनिन, और इसका आरएफटी का एक ना यूरिया मैंने पहले करके उसकी वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो भी देख सकते हैं, और ये क्रिएटिनिन हो गया। लास्ट में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को लाभ भी क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें मैं काम प्रैक्टिकली करके सिखाऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।